नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा टाटा केमिकल्स के बारे में। पिछले कुछ महीनों में स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो क्या ऐसे रीजंस थे, न्यूज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फ्यूचर में ये स्टॉक हमें क्यों अच्छे रिटर्न दे सकता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोडक्ट देखेंगे कि टाटा केमिकल क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, क्या मार्केट में शेयर है, बिजनेस कैसा है इंडिया में और इंडिया के बाहर। उसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, ताकि अच्छे से हमें पता पड़े कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और फंडामेंटल अच्छे हैं या नहीं। उसके अलावा मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें पता पड़ जाएंगे। तो काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन हिट कीजिए, ऑल कर दीजिए नोटिफिकेशन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले 2-3 महीनों में ऐसे क्या न्यूज रही जिसके कारण स्टॉक ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी न्यूज है जिसके कारण फ्यूचर में हमें काफी अच्छा मूवमेंट दिख सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो अगर पास्ट की बात करें तो टाटा केमिकल्स शेयर प्राइसेस हिट्स न्यू हाई, LIC इंक्रीजेस स्टेक टू 7.09%। तो LIC जैसी बड़ी कंपनी अगर इतना ज्यादा स्टेक किसी स्टॉक में इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए अच्छी बात है, इसलिए हमें स्टॉक का अच्छा मूवमेंट दिखा। उसके अलावा टाटा सन्स ने भी 13% की शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी दिसंबर के फर्स्ट वीक में। सो दैट वॉज ऑल्सो one of the positive news. 13th जनवरी की हम लोग बात करें तो टाटा केमिकल zooms 10% ऑन रिपोर्ट, कंपनी टॉक्स टू बाय अर्जेंस यूनिट। तो अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी यूनिट को खरीदती है या उससे रिलेटेड कोई न्यूज मार्केट में आती है, तो लोगों को ये न्यूज काफी पसंद आती है और स्टॉक का मूवमेंट अच्छा होता है। अब दोस्तों वो न्यूज डिस्कस कर लेते हैं जिसके कारण फ्यूचर में इस स्टॉक को काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। तो टाटा केमिकल्स ने काम कर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। अब देखिए, जो फ्यूचर है, डेफिनेटली हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत ज्यादा बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बहुत ज्यादा बात करते हैं, उसके लिए हमें बैटरीज चाहिए। टाटा केमिकल्स हैज प्लान टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। तो दिस इज द आर्टिकल विच आई हैव चूजन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ टाटा केमिकल्स लिमिटेड इटसेल्फ, सो इट इज अ प्रूवन न्यूज। सो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो टाटा केमिकल हैव अ प्लांट साइट ओवर 127 एकर इन लैंड ऑफ धोलेरा गुजरात, विच कैन हाउस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव सेल्स एंड बैटरीज अप टू 10 गीगावाट आर, एज वेल रिसाइक्लिंग ऑपरेशन एंड आर लिथियम आयन सेल्स एंड बैटरी पैक्स विल फाइंड एप्लीकेशन इन ऑटोमोटिव सेक्टर एज वेल एज एनर्जी स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज। अब ऑटोमोटिव सेक्टर तो आपको पता पड़ गया होगा, स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज का मतलब है जो हमारे घर में इन्वर्टर्स काम आते हैं, जो स्टेशनरी रहते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है। सो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी विच वी आर यूजिंग एट आर होम्स। तो बहुत अच्छी न्यूज है। अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो नीचे आप अगर इस आर्टिकल में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, वी आर क्लोजली वर्किंग विद सम ऑफ द लार्जेस्ट टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनीज फॉर देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम्स। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवलर स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर है, टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो अगर टाटा ने बैटरीज पे काम कर दिया है तो डेफिनेटली फ्यूचर में काफी ज्यादा बिजनेस आपको देखने को मिल सकता है विद रिस्पेक्ट टू देयर बैटरी प्रोग्राम। तो दोस्तों, अगर इन सारी चीजों को देखें तो टाटा केमिकल काफी अच्छी लग रही है, बैटरीज भी बना रही है, और टाटा केमिकल इज हैविंग वेरी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वेयर दे आर मेकिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स विच आर यूज्ड इन वेरियस काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो प्रोडक्ट काफी अच्छा है, मैं आई एम रियली वेरी कॉन्फिडेंट कि फ्यूचर में कंपनी और अच्छा कर सकती है। अगर हम कंपनी के वेबसाइट पे भी देखें तो आप देख सकते हैं, अगर एशिया के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे जाएं तो सोडा ऐश, एलाइड केमिकल्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, सीमेंट, एग्री साइंसेस, न्यूट्रिशनल साइंसेस, मटेरियल साइंसेस एंड एनर्जी साइंसेस। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी अच्छा है कंपनी का। तिजोरी पे अगर हम इसे चेक करें तो आप देख सकते हैं 75% का मार्केट शेयर है। अगर सॉल्ट की बात करें तो ब्रांडेड सॉल्ट मार्केट शेयर, और प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करें तो आप देख सकते हैं मेजर प्रोडक्ट है सोडा ऐश एंड देन सॉल्ट, बाइकार्बोनेट एंड अदर्स। दोस्तों, अब स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म ने भी इस कंपनी को 5 स्टार दिए। मार्केट कैप की बात करें तो 13,377.25 करोड़ की मार्केट कैप है। डेट कंपनी के ऊपर बात करें तो 4 करोड़ के आसपास का डेट है, बट कैश अवेलेबल इज 879.58 करोड़। तो आप कह सकते हैं वर्चुअली इट इज अ डेट फ्री कंपनी।
फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली जरूर कंपनी की घट रही है, फ्यूचर में लगता है कि इंप्रूव हो सकती है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में काफी अच्छी इंप्रूव हुई है। 5 सालों का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो जैसा कि हमारा 20% का एक बेसिस रहता है हाई ग्रोथ कंपनीज का, सो इट इज क्लोज टू 20%, इट इज वेरी गुड। ROCE 5-year average is more than 20%, it is very good. CFO by PAT ratio is 1.33, which shows that cash flow is very good. Operating cash flow काफी अच्छा generate करते हैं। दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली प्रमोटर्स आर इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग और कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ, सो इट इज अ बिग पॉजिटिव पॉइंट। दोस्तों कंपनी का अगर मैक्सिमम चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं जरूर कंपनी का स्टॉक का प्राइस थोड़ा स्लो चलता है, बट मैक्सिमम इट इज इन अप ट्रेंड, सो इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखें ईयर टू ईयर तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 के कंपैरिजन में 2019 में आप देखिए 2019 से काफी अच्छा प्रॉफिट में जंप मिला है मार्च 2020 में, तो मार्च 2021 के रिजल्ट भी काफी अच्छे आ सकते हैं। बाकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी अपने रिजर्व्स इंक्रीज करती जा रही है। अगर कैश फ्लो की भी बात करें, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर वेरी गुड एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर पॉजिटिव। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल्स एनालाइज करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। अगर नेट कैश फ्लो नेगेटिव है तब कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो कैश जनरेट किया है वो उसे इन्वेस्ट कर रही है एसेट खरीदने में या फिर उसकी बोरोइंग्स को चुकाने में, तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। नेगेटिव अगर कैश फ्लो आ रहा है देर इज नो प्रॉब्लम, बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव। दोस्तों स्टॉक को अब हम लोग टिकर टिप पे भी चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इट इज अ मिड कैप कंपनी, लो रिस्क कंपनी। उसके बाद अच्छी बात यह है कि सेक्टर का पी है 29.37 और स्टॉक का पी है 3.14, तो सेक्टर के पी से काफी कम पी पे आपको ये मिल रहा है। 56% एनालिस्ट का मानना है कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा अगर चेकलिस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट दे आर कंसीडरिंग इट इज गुड, डिविडेंड रिटर्न्स आर गुड, इफ यू विल इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक यू विल गेट बेटर रिटर्न देन एफडी, और अभी स्टॉक का जो प्राइस है दैट is less than its intrinsic value. तो सारे जो ticker tape के हमारे points होते हैं all are green, which is showing that company is looking very good and investment would be a good thing to do in future. दोस्तों अब स्टॉक का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो 335 रुपए का रेजिस्टेंस था काफी पुराना और काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। नवंबर में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया स्टॉक ने और उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दिखाया। और ये वाला जो ब्लू लाइन है थिक लाइन, ये भी इसका बहुत पुराना ट्रेंड लाइन है जिसपे काफी बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो ये हमारा मेन सपोर्ट लाइन है। अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने रेड लाइन पे जो हमारा ये पुराना रेजिस्टेंस लाइन है वहां रिसेंटली रेजिस्टेंस लिया है, तो ये दो लाइन है जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को कंसीडर करेंगे। तो अभी स्टॉक का अगर आप लेवल देखें तो 525 का चल रहा है, अगर मार्केट बुलिश रहता है तो आपको जल्दी से 560-570 के लेवल दिखाई दे सकते हैं अगले एक आध वीक में। लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो 456 का पहला लेवल है जो स्टॉक में आ सकता है, उसके बाद 427 का दूसरा लेवल है जो आपको दिखाई दे सकता है। अब अगर मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो मेरे हिसाब से 427 450 के दोनों लेवल पॉसिबल हैं स्टॉक में, क्योंकि काफी वर्टिकल मूवमेंट में ग्रोथ हुई है स्टॉक की, और जबकि ओरिजिनल ग्रोथ या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बोले कि जिस स्पीड से स्टॉक ट्रेंड करता है तो वो ये ब्लू वाला लाइन है जिसपे स्टॉक को आना चाहिए था। तो मार्केट में जैसे आपको पता है कि काफी पिछले कुछ दिनों से मार्केट भागा है, तो करेक्शन तो पेंडिंग है ही, डेफिनेटली करेक्शन अभी हुआ था, बट स्टिल आफ्टर दैट रिकवरी वॉज वेरी फास्ट। तो अगर मार्केट में फ्यूचर में करेक्शन आता है तो ये वाले लेवल हैं जो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर सारे फैक्टर कंसीडर करें तो टाटा केमिकल फ्यूचर के हिसाब से काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है, क्योंकि दे हैव स्टार्टेड वर्किंग द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, दे हैव स्टार्टेड और दे आर गोइंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरीज विच विल बी यूज्ड इन वेरियस काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड स्टेशनरी एनर्जी एप्लीकेशंस। तो मेरे को तो ये कंपनी काफी अच्छी लग रही है, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक द कंपनीज हु आर वर्किंग द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और हु आर वर्किंग विद लॉट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। तो आप इस कंपनी को जरूर अपने रडार पे रखिए। फॉर एनी बाइंग एंड सेलिंग प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।